जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सनातन धर्म से संबंधित ज्ञान सुन रहे हैं। कभी कभी बहुत विचित्र प्रश्न हमारे पास आ जाते हैं। अब एक देवी साधक कह लीजिए, देवी भगत कह लीजिए, उसके द्वारा प्रश्न किया गया कि क्या हमें फल श्रुति बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। ऐसे तो जितने भी कवच होते हैं, जितने अष्टोत्तर शतनाम होते हैं, जितने स्त्रोत होते हैं, माँ की प्रार्थना होती है, उन सब में कहीं न कहीं पर फल श्रुति अवश्य दी जाती है कि इसका पाठ, इतना पाठ करने पर ये होता है, इस दिन पाठ करने पर ऐसा होता है, इतनी रात पाठ करने पर ऐसा होता है, इतनी बार पाठ करने पर ऐसा होता है, और इतने दिन में यदि कोई अनुष्ठान तो पूर्ण कर लो तो ऐसा ऐसा होता है। कहीं कहीं जगह हमें धन संपत्ति, जमीन जायदाद, ऐश्वर्य, इज्जत, मान सम्मान, ये सब उससे प्राप्त हो जाता है। तो मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि कोई भी कवच करें, चाहे अष्टोत्तर शतनाम करें, सहस्त्र नाम करें, कोई स्तुति बोलें, कोई पाठ बोलें, तो उसमें फल श्रुति बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप स्वयं कर रहे हैं। किस काम के लिए कर रहे हैं वो संकल्प आपने पहले से ले लिया है, और नहीं लिया है तो आपने ये कहा कि भैया माँ मुझे कृपा प्राप्ति के लिए, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं तो कृपा प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से मैं पाठ कर रहा हूँ, तो फिर आपको ये फल श्रुति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से शुरू में विनियोग होता है, जपे पाठे विनियोग होता है, तो वो विनियोग अवश्य कर लेना चाहिए। और जैसे कि दो वार्ता होती है, भैरव भैरवी की वार्ता हो सकती है, एक ऋषि मुनि ने किसी दूसरे को बताया है वो वार्ता हो सकती है, तो वो वार्ता भी बोलने की आवश्यकता नहीं कि किसने किसको क्या बोला। आप सीधा पाठ करना प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी स्वयं के लिए कर रहे हैं। दूसरों के लिए करेंगे तो फिर आपको पूरा विधान का पालन करना है, परंतु स्वयं के लिए कर रहे हैं तो पूरे विधान के पाठ की आवश्यकता नहीं होती है। तो फल श्रुति उसमें नहीं बोलना है स्वयं के लिए कर रहे हैं तो, क्योंकि आपने पहले से ही संकल्प ले लिया है कि मैं इतना पाठ करूँगा, इतने दिन में करूँगा, या फिर निष्काम भाव से कर रहे हैं, ऐसे ही रोज कर रहे हैं, कंठस्थ हो गया, तो फल श्रुति बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। फल श्रुति उनके लिए होती है, समझाने के लिए है वो, कि यदि आप इस पर्टिकुलर अष्टोत्तर शतनाम का, पर्टिकुलर सहस्त्र नाम का इस तिथि में पाठ करते हैं तो ये फल प्राप्त होता है, इस समय पे पाठ करते हैं तो ये फल प्राप्त होता है, रात को करते हैं तो क्या होता है, दिन में करते हैं तो क्या होता है, एक दिन में कितना पाठ करते हैं तो क्या होता है, ये उसका अर्थ समझाने के लिए होता है कि आपको क्या चाहिए, उस तरीके से आप इसका पाठ कर लें। तो इसलिए फल श्रुति बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धये। ओं महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जय माता दी।